ये 1.5 किलो आम होगा और ये इसको इस तरह से छील ले रही हूँ चाकू से, इसको छील ले रही हूँ और इसका अचार बनाऊँगी। तो ठीक है, अभी ये सारे आम को छील लेती हूँ, जैसे जैसे बनाऊँगी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये अच्छी तरह से धो के इसको छील लिया है, ये छिलका इस तरह से निकाल लिए हैं और इसको अब काट दे रही हूँ। देखने में इतना बड़ा बड़ा आम है, आठी नहीं है, बिल्कुल आठी नहीं है, बिल्कुल आठी नहीं है, इस तरह से कच्चे आठी निकले हैं, फेंक दे रही हूँ, इस तरह से काट ले रही हूँ। कर ली हूँ सर में करके ग्राइंड कर लेंगे, हल्का हल्का ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा डाल के, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा डाल के ये देखिए मिक्सर में करके इस तरह से तैयार कर दी हूँ। इस तरह से मोटा मोटा सा, देखिए देखिए इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें आम जो छील के और मिक्सर में क्रश कर ली थी वो इस तरह से हो गया है। देखिए धूप लगने के बाद एकदम सूख चुका है, इसमें कोई नमी नहीं है, कोई पानी नहीं है आम का। और यहाँ पे नींबू मिर्चा इसका डंडी हटा लेना है और यहाँ पे धनिया है 3 चम्मच, इस चम्मच से ये चम्मच से 3 चम्मच धनिया और यहाँ पे अजवाइन मंगरेल, सरसों, मेथी, सौंफ और यहाँ पे थोड़ा सा चीनी भी ली हूँ। ये सब को हम लोग अच्छी तरह से भून लेंगे, पहले इसको भून लेंगे, उसके बाद इसको मिक्सर में इसका पाउडर बना लेना है। और ये मेथी, सौंफ, सरसों, मिर्चा और धनिया ये सब को कढ़ाई में अच्छी तरह से भून के इसका पाउडर बना लेना है। और चीनी, अभी ऑयल नहीं ली हूँ, ऑयल भी डालना है, चीनी और ऑयल सबसे लास्ट में डालना है, ये सब पहले भून लेना है कढ़ाई। सब मसाला है, ये मैंने मिर्चा का डंठल हटा दिया है और इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। कम तीखा खाते होंगे तो कम तीखा, अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको पहले इसको तरह से हम लोग रोस्ट करेंगे, इसको रोस्ट करने के बाद इसको निकाल लेंगे। मिर्चा में कोई नमी नहीं रहना चाहिए, इसका नमी बस वो हो जाए, इतने देर तक हमको भी भूनना है, इसको जलाना नहीं है, बस इसका नमी हटाना है हम लोग को, ताकि हम लोग का अचार लंबे समय तक रहे, ख़राब ना हो, इसलिए हम लोग इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेगा। और मिर्चा से गले में खांसी जैसा होने लगता है, निकाल दिया है। अब यहाँ पे मैं
धनिया डाल ले रही हूँ, धनिया को भी हूँ, और ये भी मैं निकाल ले रही हूँ इसमें। धनिया भी निकाल चुकी हूँ, धनिया अब यहाँ पे मैं मेथी डालूँगी। इसको थोड़ा सा उस वो सबसे ज़्यादा धनिया से थोड़ा सा ज़्यादा मेथी को भूनना था। देखिए मेथी हमारा हो चुका है, इतना ही देर इसको भूनना है। अब इसको भी निकाल ले रही हूँ बर्तन में, निकाल ले रही हूँ, निकाल चुकी हूँ। अब इसमें सौंफ डालती हूँ, सौंफ भी हल्का भूनना है, सौंफ को ज़्यादा नहीं, बस मॉइस्चर इसका हटाना है, कुछ ज़्यादा देर तक इसको नहीं भूनना है, बस कुछ समय के लिए इसको चलाऊँगी। इसका भी थोड़ा सा एक मिनट एक सेकंड के लिए इसको चला लूँगी ताकि इसका नमी चला जाए। ये भी हमारा हो गया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ और गरम कढ़ाई है, बस इसमें राई डाल दे रही हूँ, बस थोड़ा सा गर्म हो जाइए, बस हो गया सारा मसाला मेरा रोस्ट हो चुका है। सौंफ और मंगरेल जवाइन को थोड़ा दरदरा सा लगना है, देखिए दरदरा जैसा मैं पीस ली हूँ। हम लोगों ने इस अम में पहले से नमक हल्दी डाल रखा है, नमक हल्दी डाल चुकी हूँ और यहाँ पे ये सब मसाला, ये जवाइन, मंगरेल और सौंफ है। मंगरेल बोलते हैं, काला जीरा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। और यहाँ पे धनिया, मिर्चा और मेथी और ये सरसों पाउडर, सारा को पाउडर मैंने बना लिया है। यहाँ पे चीनी लिया है और यहाँ पे सरसों तेल, यहाँ पे मैं ये मसाला ऐड कर दे रही हूँ। थोड़ा सा मैं इतना सा बचा ले रही हूँ और यहाँ पे सरसों पाउडर। आप सबको मेरे ये अचार का रेसिपी पसंद आए तो वो मुझे बताइएगा। आप मैं लौंजी का भी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर दूंगी, मैं लौंजी भी बनाने वाली हूँ। और अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यहाँ पे आप अपने हिसाब से मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं,
क्योंकि ये वाला आम तो क्रैस किया हुआ है तो इसमें ज़्यादा मसाला नहीं जाता है। छिलका वाला एक बनाती हूँ मैं, उसमें थोड़ा मसाला ज़्यादा लगता है, तो वो वाला भी शेयर कर दूँगी आप सबके साथ। और ये वाला अचार इस तरह से बना के देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत लंबे समय तक रहता है।